आज हमने सातों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया और उनसे हमने रिमांड मांगा है। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए हमें 29 तारीख तक का रिमांड सभी अभियुक्तों का दे दिया है और हम उनसे इस दौरान गहन पूछताछ करेंगे, रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे और अग्रिम तफ्तीश उसी पर आधारित होगी। प्रारंभिक पूछताछ की गई है, अभी उसमें ये पाया गया है कि जो एक्सटोर्शन होता था जेल से, उसमें बैंक के कई खातों में ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे जमा हुए हैं, कुछ लोग उनके रिश्तेदार पैसे लेके आए हैं, उन सब का वेरिफिकेशन होना है, बैंक का रिकॉर्ड लेना है, जो रिकॉर्ड हमने जब्त किया है उसका विश्लेषण किया जाना है, इसमें और कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाना है। तो अभी हमारे पास एविडेंस कलेक्ट करने का ये समय है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये बता रहे हैं कि 2-3 महीने से, ये 3 महीने से चल रहा है, पर केवल अभियुक्त के कहने को नहीं माना जा सकता। हम गहन तफ्तीश करेंगे कि इसमें और कौन कौन शामिल है। बड़े कोई ही अधिकारी का नाम हो या ना हो, यदि उसका इन्वॉल्वमेंट है तो कोई बक्सा नहीं जाएगा। सर, और भी कोई जेल में इनकी ये रैकेट है, और जेलों में भी सक्रिय है या किसी जेल में? राजस्थान के सभी जेलों में इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं पर्टिकुलर इस केस के संदर्भ में बताता हूँ कि यहाँ ये चल रहा था और बड़ी अमाउंट कलेक्ट की जाती थी, वो कहाँ कहाँ जाती थी इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। जांच में और भी मुलजिम के नाम सामने आएंगे आपको? नहीं, प्रारंभिक तौर पे जो नामजद अभियुक्त हैं उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, पर पैसा कहाँ कहाँ जाता था या एविडेंस किन किन तक आगे पहुँचती है ये आगे का सब्जेक्ट है। हमारे पास रिमांड है, इस दौरान हम तफ्तीश करेंगे। सीज किए हैं हमने, अकाउंट्स को सीज किए हैं, उनमें जो ट्रांजेक्शन है वो उनको सीज किए हैं।